हे गाइज, गूगल पिक्सल एक्सपीरियंस रोम आपको लैग भरे MIUI 11 से प्योर स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस दे पाता है और उसके साथ सभी रेडमी के डिवाइस के लिए आपको बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड 10 का भी सपोर्ट यहां पे देखने को मिल जाता है। और सभी रेडमी के फोन्स के लिए इस रोम में आपको अलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और MIUI 11 से डिफरेंट यहाँ पे आपको रिसेंट मेनू भी देखने को मिल जाता है, जो यूज करने में काफ़ी मज़ा आता है। और उसके साथ आपको लैग फ्री मल्टीटास्किंग का भी यहाँ पे एक्सपीरियंस ये दे पाता है। और इन फीचरों के साथ साथ इस रोम में आपको गूगल का स्टॉक डायलर भी देखने को मिल जाता है, जो वाइट मटेरियल थीम के साथ आता है। और इसके साथ इसमें आपको Xiaomi का स्टॉक कैमरा ऐप भी कुछ कुछ फोन्स के लिए देखने को मिल जाता है। और कुछ कुछ फोन्स के लिए आपको इस रोम में Gcam 7.2 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो यार सबसे इंटरेस्टिंग, आपको नेक्स्ट लेवल का गूगल असिस्टेंट भी इस रोम में देखने को मिल जाता है। उसके साथ आपको एक न्यू क्विक टॉगल भी इस रोम में देखने को मिल जाता है, जो Xiaomi के MIUI से काफ़ी डिफरेंट है। और यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट क्विक टॉगल से डार्क मोड इनेबल करने का भी ऑप्शन मिलता है, जो सिस्टम के ऐप्स पे भी काफ़ी अच्छे से अप्लाई होता है। Xiaomi के MIUI 11 के सेटिंग से आपको इस रोम में काफ़ी डिफरेंट सेटिंग का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और उसके साथ बहुत सारे न्यू फीचर्स भी आपको इस सेटिंग में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बैटरी सेक्शन में आपको एडेप्टिव बैटरी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। AI की हेल्प से आपका बहुत सारा बैटरी यहाँ पे सेव होने वाला है। और डिस्प्ले सेक्शन में आपको स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और इस स्टाइल के ऑप्शन में आपको बाय डिफॉल्ट फ़ोन का फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो सिग्नल बार और बैटरी का आइकन है, ये भी चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्विक टॉगल से यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो यार मतलब स्टॉक एंड्रॉयड में भी आपको ये लिटिल बिट क्विक मतलब कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है, अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको साउंड सेक्शन में भी, जैसे कि Xiaomi के MIUI में आपको बहुत सारे साउंड डिसेबल और इनेबल करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसी तरह इस स्टॉक एंड्रॉयड रोम में भी आपको बहुत सारे साउंड के ऑप्शन ऑफ और ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ आपको डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे विंड डाउन का ये भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके हेल्प से आप जब रीडिंग करते हो तो पूरा डिस्प्ले यहाँ पे मतलब जो कलर्स होते हैं पूरे के पूरे ब्लैक हो जाते हैं। सच में यार इस रोम में आपको नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। और गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि डिजिटल वेलबिंग, इसका फुल्ली सपोर्ट इस रोम में देखने को मिल जाता है। और सेटिंग में आपको यहाँ पे सिस्टम में और भी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। K20 Pro के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ये ऑप्शन आपके फ़ोन के ऊपर डिपेंड रहेंगे। उसके साथ यहाँ पे गेचर्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे 3 सिस्टम आपको देखने को मिल जाते हैं, गेचर नेविगेशन, 2-बटन नेविगेशन, 3-बटन नेविगेशन। तो यहाँ पे यार मुझे गेचर नेविगेशन एक काफ़ी अच्छा फीचर लगा, और यहाँ पे आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है इन गेचरों के साथ। तो इसको आप MIUI से कंपेयर करते हो तो आपको सच में पता चलेगा कि ये कितना अच्छे से यहाँ पे चलते हैं। उसके साथ सिक्योरिटी में आपको यहाँ पे पिन पासवर्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपको फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता है। और K20 Pro के लिए फिंगरप्रिंट का थोड़ा सा इशू देखने को मिला, पर बाकी के Redmi सीरीज, नोट सीरीज के कोई भी डिवाइस के लिए फिंगरप्रिंट का इशू यहाँ पे मुझे पर्सनली देखने को नहीं मिला। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स Redmi Note 7 Pro में पिक्सल एक्सपीरियंस रोम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और बात करते हैं गाइज यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, तो आपका फ़ोन कौन सा है इसके ऊपर भी कुछ फाइल्स डाउनलोड करना डिपेंड रहता है। जैसे कि आपको आपके पास Note 7 Pro है, Redmi का Note 7 Pro है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल में जाके पिक्सल एक्सपीरियंस रोम Redmi Note 7 Pro। उसके साथ उनका ऑफिशियल लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो यार आपका जो भी मॉडल है यहाँ पे आपको वैसे ही टाइप करना है। उसके साथ ये लिंक ओपन होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स है जिनमें पिक्सल एक्सपीरियंस रोम अवेलेबल है। तो लिंक ओपन होने के बाद देख सकते हो पिक्सल एक्सपीरियंस, और यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो। और उसके साथ यहाँ पे आप साइड में जाते हो तो Redmi के सभी डिवाइस की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी,
किन किन फ़ोन के लिए ये पिक्सल एक्सपीरियंस रोम यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो ये डिवाइस आप देख सकते हो यहाँ पे, पोको F1, रेडमी नोट के जितने भी फ़ोन हैं उनकी सीरीज देखने को मिल जाती है यहाँ पे। Mi A1 भी देखने को मिल जाता है, Mi A2 भी देखने को मिल जाता है, और बहुत सारे कंपनीज़ के अलग अलग फ़ोन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपका डिवाइस कौन सा है इसके ऊपर डिपेंड करता है उस रोम फाइल का साइज, और वही आपके डिवाइस का ही रोम फाइल यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट्स दोस्तों कि आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी रेडमी के फ़ोन्स का बूट लोडर अनलॉक करने का मेथड सेम ही होता है। तो आप सीधा गूगल पे सर्च कीजिए हाउ टू अनलॉक बूट लोडर ऑफ रेडमी फोन्स, तो उसके बाद आपको थर्ड मिल जाएगा। उसके साथ सेकंड स्टेप है कि दोस्तों आपके फ़ोन में कोई भी कस्टम रिकवरी यहाँ पे होना चाहिए। सिंपली आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं TWRP मॉडल नेम, मतलब रेडमी नोट 7 प्रो और XDA। XDA एक पॉपुलर वेबसाइट है जहाँ पे आपको सभी डिवाइस के यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है, रेडमी फ़ोन्स या कोई भी अदर फोन्स। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपने फ़ोन की कस्टम रिकवरी मिल जाएगी, और यहाँ पे सभी डिटेल में लिखा है कि उस कस्टम रिकवरी को आपके फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करना है। तो कोई भी रेडमी का फ़ोन हो यहाँ पे आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और यहाँ से आपको सभी फाइल्स डाउनलोड करनी है जैसे कि रोम फाइल, उसके बाद फ्रेमवर्क एंड वेंडर फाइल्स और डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन फाइल्स। ये आपको सिंगल थर्ड में XDA की मिल जाएगी। और इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सीधा सर्च कीजिए पिक्सल एक्सपीरियंस आपके मॉडल का नाम, जैसे कि रेडमी नोट 7 प्रो और XDA। उसके बाद एक सिंगल XDA के थर्ड पे आपको सभी डाउनलोड करने के फाइल्स मिल जाएंगी। तो ये फ़ोन के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपके फ़ोन के लिए रोम इंस्टॉल करने के लिए कितनी फाइल्स डाउनलोड करनी है। जैसे कि मेरे K20 प्रो के लिए यहाँ पे 3 फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती है। एक रोम फाइल जो सबका कॉमन डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंट फ़ोन के लिए डिफरेंट साइज़ का ये रोम फाइल रहेगा। उसके साथ फ्रेमवर्क एंड वेंडर फाइल, ये भी रेडमी के फ़ोन्स के लिए आपको डाउनलोड करना ज़रूरी है। और डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन, इसकी कुछ कुछ फ़ोन्स के लिए ज़रूरत पड़ती है और कुछ कुछ फ़ोन्स के लिए यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो यार, आपने मेक श्योर बूट लोडर अनलॉक किया होगा और आपके फ़ोन में कस्टम रिकवरी यहाँ पर होगी। तो यहाँ पे मैं अपने K20 Pro में ऑलरेडी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल किया हूँ। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम अप प्लस पावर बटन एट ए टाइम प्रेस करके यहाँ पे कस्टम रिकवरी में एंटर हो जाता हूँ, और जैसे ही फ़ोन कस्टम रिकवरी में बूट होता है, सबसे पहले गाइज आपको अपने करंट सिस्टम जो भी चल रहा है उसका पूरा का पूरा बैकअप लेना है। इन फ्यूचर आप कुछ भी यहाँ पे फेल्योर हो जाता है तो सिंपली उस बैकअप को आप रिस्टोर करके और एक बार आप अपने फ़ोन में एंटर हो सकते हो, मतलब बूट हो सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बैकअप लिया हूँ, फिर भी आप पूरा बैकअप लीजिए और अपने अदर डिवाइस में ट्रांसफ़र कीजिए। उसके साथ आपको वाइप में आना है, और वाइप में आने के बाद यहाँ पे एडवांस में आना है, और जो जो ऑप्शन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किए इनको सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको सिंपली वाइप करना है। तो वाइप करने के बाद ये सभी, मतलब जो आपके फ़ोन में रहते सिस्टम डेटा, ये सभी चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका इंटरनल स्टोरेज जाने वाला नहीं है। उसके साथ आपको इंस्टॉल में आना है, और इंस्टॉल में आने के बाद सबसे पहले आपके फ़ोन का वेंडर फाइल एंड फ्रेमवर्क इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद एड मोर जिप करके आपको पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद एड मोर जिप करके आपको DM वेरिफिकेशन का जो फाइल है, ये कुछ कुछ डिवाइस के लिए लगता है, कुछ कुछ डिवाइस के लिए नहीं लगता है, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपके डिवाइस के ऊपर डिपेंड रहेगा, मिनिमम 3 या 4 मिनट यहाँ पे लग जाते हैं। उसके बाद पूरा रोम फाइल यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है, तब तक आपको कुछ भी यहाँ पे करना नहीं है। जैसे ही यहाँ पे पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो जाता है, वाइप डाल्विक कैसे आपको इसको क्लिक करना है, उसके बाद रिबोट टू सिस्टम करना है। उसके बाद आपका फ़ोन इस गूगल पिक्सल एक्सपीरियंस रोम में बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। गाइज, मैं इसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता हूँ Xiaomi के, रेडमी के फ़ोन्स के ऊपर। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक भी करना। यहाँ पे देख सकते हो हमारा रोम सक्सेसफुली यहाँ पे बूट हो चुका है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे सेटअप का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे सेटअप आ चुका है। तो फटाफट आपको ये सेटअप पूरा कंप्लीट करना है, और उसके साथ इस स्टॉक एंड्रॉयड रोम का पूरा यहाँ पे मज़ा ले सकते हैं। यार मुझे ये रोम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा एज़ कम्पेयर टू
MIUI 11 से MIUI 11 में आपको बहुत सारे बग्स देखने को मिल जाते हैं, पर यार इस रॉम में आपको मतलब Redmi Note सीरीज के लिए कुछ भी बग्स यहाँ पे देखने को मिल नहीं मतलब कुछ भी बग्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। K20 Pro के लिए आपको फिंगरप्रिंट का थोड़ा सा बग देखने को मिलता है, पर अदर Redmi के फोन्स के लिए ये रॉम सबसे स्टेबल मुझे लगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। जय हिंद।